हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली शॉर्ट्स विद विकास। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप फाइव मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो मेडिकल फील्ड में। और जो ये रैंकिंग है हमारी, ये NIRF द्वारा की जाती है। एक वीडियो मैंने टॉप 10 कॉलेजेस के लिए भी बनाई थी, वो रैंकिंग भी हमारी NIRF के अकॉर्डिंग थी। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आती है हमारे पास, जिसका रैंक 1 है, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एम्स न्यू दिल्ली। ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया हुआ है इसको हमारी गवर्नमेंट ने। और इसमें आप देख सकते हो, आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज परस्यू कर सकते हो मेडिकल एजुकेशन इन ऑल इट्स ब्रांचेस। और ये पिछले 3 सालों से इसने फर्स्ट पोजीशन रिटेन की हुई है 2018 टू 2020। और जो ये रैंकिंग है हमारे पास, जो NIRF रैंकिंग करता है, ये इसमें जो इन्होंने डाटाबेस उठाया है जिसके बेसिस पे इन्होंने रैंकिंग की है, उसमें फर्स्ट आता है आपका जो ये TLR है, दिस इज़ टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। फिर आपके पास जो RP है वो होता है आपके पास रिसर्च एंड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस। फिर आपके पास जो GO है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्रेजुएशन आउटकम को। और फिर OI है आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटरीच ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो आपके पास लास्ट PR है, ये आपको बता रहा है परसेप्शन रिजल्ट्स। तो ये डाटाबेस लिया जाता है, इस डाटाबेस के अकॉर्डिंग इन्होंने रैंकिंग की हुई है इन टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की। जो रैंक 2 पे है हमारे पास, वो है हमारे पास PGI चंडीगढ़, जिसको आप PGI चंडीगढ़ के नाम से जानते हो। पूरा नाम इसका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMR चंडीगढ़। ये रैंक 2 है इसकी, इसने रैंक 2 होल्ड की है। और इसमें जो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1962 में, पहले ये पंजाब के अंडर थी क्योंकि उस टाइम हरियाणा और पंजाब एक साथ थे। फिर 1966 में जब हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए, तो इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के अंडर दे दिया गया। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, डायरेक्टली काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और इसने लगातार, इसने भी 3 सालों से लगातार सेकेंड पोजिशन मेंटेन करके रखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टीनियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलोर। ये इन क्रिस्टीनियन कॉलेज ने ऑल इंडिया जो है थर्ड रैंक हासिल की है NIRF की रैंकिंग में 2020 में। और ये एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है ये, 1900 में एस्टेब्लिश किया था ये अमेरिकन मिशनरी ने, डॉक्टर ईडा एस स्कूडर, ये नाम दिया हुआ उनका। पहले ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, फिर इसमें ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। और जो इंस्टीट्यूट, इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टार्ट हुआ 1946 में, फिर इसको आगे ये बढ़ता गया और ऐसे ये एक फुल फ्लैश एक कॉलेज बन गया, जहाँ पे बच्चे अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। और इसने भी लगातार 3 सालों से थर्ड पोजीशन मेंटेन की हुई है, ये थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है आपके पास फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर। ये बेंगलोर में लोकेटेड है। और इसकी एक अच्छी सी कहानी है, अगर आप इसको नेट पे सर्च करो तो आपको और अच्छा रहेगा। इसमें ये पहले एक स्टेट मेंटल हॉस्पिटल था, और आपकी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ थी। इन दोनों को क्या किया गया था, इन दोनों को मर्ज किया गया था और फिर इसको बनाया गया था। ये हमारा 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये भी ऑटोनोमस बॉडी है आपकी। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1994 में। और ये फोर्थ रैंकिंग है इसकी, ये इसका रैंक 4 है NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारे पास है, वो जो फिफ्थ नंबर पे आता है, दैट इज़ ये रैंक 5th है इसकी, ये है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। ये PGI लखनऊ, ये आपकी PGI लखनऊ है जो इसने 5th रैंक हासिल की है। ये 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कोर्स परस्यू कर सकते हो, जहाँ भी आप PGI देखते हो। और ये आपका रैंक 5th पे आया है NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और 2019 में इसकी 4th पोजीशन थी, जो एक पोजीशन स्किप हो गया है, ये 5th पोजीशन पे आया है अभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको इन टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाएं।
और अपने फ्यूचर को अच्छी शेप दें। थैंक यू।